साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। बात कर रहे हैं हम 14 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ही खबर है आज की कि हाल ही में जारी की गई है एक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, पहली बात तो ये जारी किया गया है द हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि एक अमेरिका बेस्ड थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जो चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी देता है और उसके बारे में जो है चीज़ों को एलिब्रेट करता है, बताता है। तो उसके द्वारा ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत को जो दिया गया है 130वीं रैंक दी गई है। हालांकि पिछली बार की तुलना में काफ़ी अच्छी है, लगभग 13 स्थानों की हमने छलांग इसमें लगाई है। 180 देशों को शामिल किया गया है और 180 देशों में भारत जो है 130वीं रैंक पर रहा है। 54.5 अंक जो है भारत को इसमें दिए गए हैं। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, ये जो फाउंडेशन है इसकी हम स्थापना की बात कर लेते हैं, द हेरिटेज फाउंडेशन इसका नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को भंग करने का फैसला लिया है। तो कोटा प्रणाली भारत में जो है जिस प्रकार का एक आरक्षण प्रणाली है उसी से संबंधित, उसी तरह की एक प्रणाली थी, तो इसको भंग करने का फैसला ले लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में हाल ही में जो है काफ़ी प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा था कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उनके अंदर कुछ वर्गों को अलग अलग आधारों पर, कहीं जाति अल्पसंख्यक के आधार पर या अलग अलग आधारों पर जो है कोटा सिस्टम दिया जा रहा था, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। जैसे भारत में भी एक प्रकार की आग जो आरक्षण है उसके ऊपर लगी हुई है, आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हालांकि ये डिबेट का विषय है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश ने अपने यहाँ से इसको समाप्त कर दिया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए भारत की बात कर लेते हैं, भारत के बारे में आप सभी से जानते हैं। पाकिस्तान की बात करें हम, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, जिसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा भी था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है उडुपी रामचंद्र राव। ये अभी इसलिए फेमस मतलब चर्चा में आए हैं कि हाल ही में जो इनका निधन हो गया है और ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसरो के चेयरमैन रहे हैं और ये एकमात्र वैज्ञानिक है जिनको स्टेट सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अमेरिका के अंदर। तो इनका नाम याद रखिएगा, उडुपी रामचंद्र राव। वहीं के राधाकृष्णन की बात कर लें तो के राधाकृष्णन भी पूर्व चेयरमैन है इसरो के कस्तूरीरंगन भी पूर्व चेयरमैन है इसरो के और एस ए किरण कुमार भी पूर्व चेयरमैन है इसरो के। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दें। भले ही ये लिखा कि ना लिखें कि ये वीडियो कैसा है, बहुत से लोग लिखते हैं वेरी गुड वेरी नाइस, तो वो ना लिखते हुए आप अगर आंसर देंगे तो हमारा जो लगाव है, जो जुड़ाव है वो और मजबूत होगा, हमारा जो बॉन्ड है वो और मजबूत होगा। तो मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप जरूर दें कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है और उनका निकनेम भी आप जरूर बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि देश की प्रथम 5G उपकरण विनिर्माण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो ये IIT दिल्ली के अंदर ये जो है स्थापना की गई है। 5G का प्लान चल रहा है, टेस्टिंग गुरुग्राम जिसका पहले नाम गुड़गांव था वहाँ पर भारतीय एयरटेल ने कर ली है और इसके बाद भारत में जो है उपकरण बनाए जाएं 5G फोन्स वगैरह और जो भी उपकरण यूज़ होते हैं वो 5G प्रणाली के बनाए जाए, उसके लिए जो है प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और ये की गई है IIT दिल्ली के अंदर। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5G जो है पूरे विश्व में अभी नहीं आई है, तो सभी जगह लगभग भारत में इसको जल्दी लाया जाएगा, सारे विश्व के साथ ही हम लाने के प्रयास करेंगे क्योंकि बाकी जो टेक्नोलॉजीज हैं हमारे यहाँ काफ़ी बाद में आई है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थापित होने वाली प्रथम एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रो कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है उसका, तो उसका जो नाम है रत्नागिरी मेगा रिफाइनरी जो है इसका नाम है। सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम जो है अरमको, याद रखिएगा अरमको, और अरमको और भारत की जो भी कंपनियाँ हैं जैसे OGCL है, हमारे भारत की जो कंपनी IOCL, OGCL नहीं, IOCL प्लस
BPCL प्लस HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं इनका 50% प्लस अमेरिको का 50%, तो 50-50% की पार्टनरशिप से ये जो है बनाई गई है, ये जो कंपनी बनाई गई है, और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली, मतलब माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी नहीं, रिफाइनरी होने वाली है, और इसका काम जो होगा 2025 तक पूरा होने की संभावना है, 2025 में इसका काम पूरा होगा और ये उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, बड़ी रिफाइनरी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा में सहयोग योगदान के लिए किस अभिनेता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के सम्मान देने की घोषणा की है? तो विनोद खन्ना को ये सम्मान देने की घोषणा की है और इस वर्ष का ये सम्मान दिया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और ये जो सम्मान है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के की बात कर लें तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1913 के अंदर एक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो भारतीय इतिहास की पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, उसका डायरेक्शन किया गया था, तो इसलिए इन्हें जो है दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। इनका पूरा नाम था घुंडीराज गोविंद फाल्के और दादा साहब फाल्के इनको कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीति हेतु आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया है और ये पहाड़ टूटा है नवाज शरीफ के ऊपर। नवाज शरीफ के ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे हैं वहाँ भ्रष्टाचार वगैरह के और इनका पनामा पेपर लीक्स जिसमें भारत कुछ भारतीयों का भी नाम आया था, स्विस बैंक में अकाउंट, तो इस तरह की बहुत सारे इन पे चार्जेस हैं और काफ़ी विदेशों में पैसा इन्होंने अपना जमा किया है, इस तरह के इन पे चार्जेस हैं और उसी के बाद जो है इनको बैन कर दिया गया है राजनीति से, पूरी तरह से इनको बैन कर दिया है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक प्रकार से कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं के डायरेक्शन में सारा सब कुछ होता है। चलिए यूसुफ रजा गिलानी की बात करें तो ये भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, शौकत अजीज के भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं और बेनजीर भुट्टो जो हैं ये भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही हैं, जिनको अपने जो जिनको मार भी दिया गया था, आप इनके बारे में नाम जरूर आपने सुना होगा। चलिए अंतिम प्रश्न की बात कर लें तो जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित है, तो बजरंग पहलवान है बजरंग पूनिया को पुरुष वर्ग के कितने गुलाम किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में वेल्स के कैन चारिंग को हराकर 10-0 से हराकर जो है कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो बजरंग पूनिया ने। कहाँ जीता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में, फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा है। तो ये कितने वर्ग किलोग्राम में था, तो ये जो है 65 वर्ग किलोग्राम के पहलवान है जिसमें स्वर्ण पदक जीता है। इनके अलावा और जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं वो जीता है अनीस भनवाला की बात करें तो इन्होंने जो है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। उसके अलावा तेजस्विनी सावंत की बात कर लें, तेजस्विनी सावंत ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, वो 50 मीटर जो है राइफल शूट में जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह से भारत के काफ़ी इस बार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है भारत इसमें। चलिए तो आज का ये वीडियो हो जाता है हमारा यही समाप्त। आई होप कि वीडियो आपके लिए होगा उपयोगी। वीडियो अगर उपयोगी है तो आप इसे लाइक करें, यदि डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ उसका कारण जरूर बता दें कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि वो इम्प्रूवमेंट हम हमारे वीडियोस में कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके अलावा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप ज़रूर दें। आज की बात यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।